हे गाइस, दिस इज रवि शुभ, वेलकम बैक इन माय चैनल। अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे डाउट आए हैं, तो मैं सबका जो कॉमन डाउट है वो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, कुछ चार पांच डाउट। तो हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहला है कैटेगरी। बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि अगर वो फॉर्म में कैटेगरी गलत भर दिए हैं तो क्या उन्हें कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम होगा, क्या उन्हें काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो भी आप फॉर्म भरने टाइम जो भी आपने कैटेगरी भरा, ठीक है, सपोज आपने जनरल भर दिया और आप हैं ओबीसी, ठीक है, आपने जनरल भर दिया, आप हैं ओबीसी, तो जब आप काउंसलिंग के लिए बैठोगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स में आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय आप अपना ओबीसी वाला डॉक्यूमेंट है वो डालिएगा वेरीफाई होने के लिए, ठीक है। और जब हम कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, जब जो भी हमें कॉलेज अलॉट होता है, जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद आप अपना जो भी प्रॉब्लम है कैटेगरी से रिलेटेड आप वहाँ बताएंगे, तो वहाँ पर कॉलेज में आप उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सपोज आप ओबीसी हैं और आपने जनरल भर दिया है, तो आपको जो भी कॉलेज मिलेगा आप कॉलेज में जाइए, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कैटेगरी का और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताइए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसके लिए ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चॉइस लॉकिंग पे बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये क्वेश्चन अराइज किए कि उन्हें चॉइस लॉकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कि उनके मन में ये दुविधा है, उनके मन में ये डाउट है कि अगर 6 अक्टूबर से स्टार्ट है चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिल कर दिए और लॉक कर दिए, तो क्या वो बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं? अगर उनका चेंज करने का मन हुआ तो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एडिट नहीं कर सकते हैं उसको? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप जो 15 अक्टूबर तक आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको अपना प्रेफरेंस, कोई सेकेंड नंबर पर है तो उसको फर्स्ट नंबर पर कर सकते हैं, कोई पाँचवें नंबर पर है तो उसको छठा नंबर पर कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस जो है बदल सकते हैं। कब तक? 15 तक। बच्चों को चॉइस चेंज में ये डाउट आ रहा है कि फर्स्ट राउंड, ठीक है, उन्होंने सीट लॉक कर दिया, फिर फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड हो गया, अब उन्हें अपना चॉइस बदलना है, तो क्या वो बदल सकते हैं? तो मैं उन बच्चों को ये बता दूं कि आप जो अपना सीट है वो 15 तारीख के बाद जो लॉक हो जाता है, आप पूरे 6 राउंड तक नहीं बदल सकते हैं। जो आपका 6 राउंड है, 6 राउंड तक आपका जो सीट है वो लॉक हो गया, मतलब अब आप उसको प्रेफरेंस नहीं बदल सकते हैं, कुछ हटा भी नहीं सकते हैं। जो 15 तारीख है यही लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग का ये भी डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि आप क्या हर राउंड के बाद अपना प्रेफरेंस बदल सकते हैं, क्या आप चॉइस बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रिपेरेटरी रैंक की। बहुत सारे SC ST कैंडिडेट के प्रिपेरेटरी रैंक आ जाता है, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि प्रिपेरेटरी रैंक होता क्या है, उन्हें जोसा काउंसलिंग में बैठना है या नहीं बैठना है। ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि जोसा काउंसलिंग में अगर IIT का सीट वैकेंट रह जाता है, ठीक है, कोई सीट बचा रह जाता है, तो फिर हम लोग उसके बाद वाले जो बच्चे हैं उनको प्रेफर करते हैं, जो होते हैं प्रिपेरेटरी रैंक में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको 1 साल के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, पढ़ाया जाता है कहाँ, IIT में आपको बुलाया जाएगा, आपको 1 साल तक IIT में रखा जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब प्रिपेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, एक टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट में आप पास हो गए तो आपका डायरेक्ट एडमिशन कहाँ हो जाता है, उसी IIT में फर्स्ट ईयर में। तो ये आप लोग का एक ड्रॉप ईयर की तरह भी आप ले सकते हैं, बट इसमें बेनिफिट ये है कि आपका लाइफ सिक्योर है, सेफ जोन में है आप, कि आपको IIT ही मिलने वाला है, आपको पता है ये बात। तो ये हुई हमारी 4-5 डाउट। एक और डाउट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि स्पॉट राउंड में क्या वही बच्चे जाएंगे जो जोसा काउंसलिंग में बैठेंगे? तो बिल्कुल नहीं, स्पॉट राउंड में सारे बच्चे जा सकते हैं जो जोसा काउंसलिंग में बैठे हैं, वो भी, जिनको सीट मिस में मिल गया है वो भी जा सकते हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है, और जो जोसा काउंसलिंग में नहीं बैठे हैं वो भी जा सकते हैं। जो नेक्स्ट डाउट आ रहा है बच्चों के मन में वो ये आ रहा है कि इस साल कितने सीट इंक्रीज हुए हैं, कितने सीट बढ़े हैं। तो मैं बता दूँ सीट के बारे में कि जो IITs है हमारा, ठीक है, IITs में जो प्रीवियस ईयर था, ये क्या था, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में 13K अप्रॉक्स हमारा IIT में सीट था। इस साल क्या वो इंक्रीज हो गया, अप्रॉक्स कितना इंक्रीज किया है, 3K, ये क्या 3K इंक्रीज, अप्रॉक्स 3K 3000 इंक्रीज किया है सीट है इस बार 16,053। तो कुल मिला के IIT में पिछले साल सीट थी 13,000 और अब हो गई है 16,000, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं NIT की तरफ। तो NIT में जो पिछले साल सीट थी वो थी 20,000 के आसपास, और वो इंक्रीज करके इस साल हो गई है 23,506, यानी ये भी 3K अप्रॉक्स इंक्रीज कर गई है। अभी मैं बात करूं IIITs की, तो पिछले साल थी 4.7K सीट, अभी इंक्रीज करके कितनी हो गई है,
5.6K अप्रॉक्स, मतलब 5643। अगर मैं बात करूँ GFTI की, जो पिछले साल सीट था वो था 4.8K के अप्रॉक्स, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सब अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, इसके आसपास ही है 4.8K अप्रॉक्स। तो वो इंक्रीज करके अब कितना हो गया है 5596, इसका मतलब ये भी 5.6K के अप्रॉक्स हो गया। अब तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा IIT में 3000 प्लस सीट बढ़ गया है, 3000 प्लस सीट बढ़ गए हैं, NIT में भी 3000 प्लस सीट बढ़ गए हैं, वैसे ही IIIT में भी 5.6K तक सीट है और GFTI में भी 5.6 तक सीट है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ गया कि ये सीट इंक्रीज हुए हैं वो कहाँ से इंक्रीज हो गए, तो सीट जो इंक्रीज हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे न्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस साल, ठीक है, जैसे जिसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डाटा साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारे बहुत सारे ऐसे नए नए ब्रांच इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस साल। तो जैसे ब्रांच बढ़ा तो सीट, नंबर ऑफ सीट भी बढ़ेगा। तो ये हुई हमारी ओवरऑल डाउट, जितने भी बच्चे के मन में डाउट आ रहा था वो सारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, ये जो सारे जो थे कॉमन डाउट। अब मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, खत्म करने से पहले मैं आप लोग बता दूँ कि आप लोग के मन में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोग भी तो मेरी हेल्प करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहो मेरे से, मैं इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता जाता हूँ, आपको सब्सक्राइब करने में आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, और मैं और एनर्जी के साथ और नए नए वीडियो लाऊंगा और जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।